महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्य योजना को सफल बनाने के अंदर दिन अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना दायित्व समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए देश भर में 24 कार्यक्रमों का आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम किया हमारे रिसेप्शन कमेटी के स्वागता अध्यक्ष भाई सेठी जी अपने विचार करे रखे। उसके पहले मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से विचार प्राप्त हुआ कि जब इस पवित्र प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, उनके प्रिय सभी महात्मा गांधी के उस सपनों को और अहिंसा के उस कार्य को, शांति और सद्भावना के विचार को लेकर के पूरी दुनिया में आदमी से आदमी का हक अदा होता है। Whatever you are doing is trying to fulfill the call of और अपने संक्षिप्त विचारों के साथ परमार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना जब स्वार्थ हावी होता है तब समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है और भीतर के अंदर हम विश्व में शांति ला सकते हैं। टोली को समर्पित ये गीत उससे पहले महात्मा गांधी देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसक मार्ग पर चलते हुए इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और उनकी 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर बॉम्बे के ऐतिहासिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में विश्व स्तरीय विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, जिसके अंदर ही जॉलीनेस सैयदना फखरुद्दीन साहब जो कि हेड ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के, ही जॉलीनेस 12th रिम्पोची जी यहाँ पर उपस्थित हुए और न केवल भारत से बल्कि अमेरिका, अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों के लोग उपस्थित होकर के पूरे देश के अंदर 24 कार्यक्रमों के माध्यम से अहिंसा, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, नशा मुक्ति, पर्यावरण, स्वच्छता, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आदि आदि विषयों पर अलख जगाने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ अहिंसा विश्व भारती संस्था ने ये जो बीड़ा उठाया है, बम्बई से ये कार्यक्रम जो शुभारंभ हुआ, अगले रविवार को अहमदाबाद में, फिर चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, भोपाल, जयपुर, राजकोट, वडोदरा, नागपुर, नासिक आदि स्थानों पर होता हुआ पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं धर्म गुरुओं ने एक स्वर से कहा कि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हाथों में हाथ लेकर के ये संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि हम सभी मिलकर के समस्या कहीं पर भी दंगा हो, फसाद हो, पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, किंतु ये शांति सैनिक जो है उस अवसर पर फिजिकली वहां पर उपस्थित होकर के शांति के लिए, सद्भावना के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए प्रयास करेंगे। खास करके जब जब चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून को उभारने का प्रयास करते हैं, इस मंच ने यह भी संकल्प दोहराया है कि हमें आग लगने के बाद नहीं, आग लगने से पहले ही उन लकड़ियों को ही गीला कर डालना है जिससे आग ही न लगे, और उसके लिए एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिशियंस टू हैव द विल टू इम्प्लीमेंट दोज गाइडलाइंस विच आर गिवन टू अस बाय दिस अहिंसा philosophy which was propagated by Mahatma Gandhiji, which led us to this freedom. And as I said in my speech earlier, we do not want to lose the precious gift of freedom that we received. If we resort to conflict and violence, that is exactly what we will do. Wonderful. And not to do that is our goal. And
one of the members in the speech said that we need to plant the seed. But I think we need to continuously water that plant so it grows. And that message, I hope, emanates across the nation. And we can be, as India has the most diverse, so many different cultures within the country, different religions, castes, different peoples of different thoughts and philosophies, living together in peace for years, we can be an example to the world. Thank you. अब मैं निवेदन करूंगा हेजलनट्स 12th चनगोन टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे वाह दिस इज 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग दैट वी नो ऑफ द 20th सेंचुरी महात्मा गांधी सो आई वाज introduced to this great activity started by my friend His Holiness Acharya Dr. Lokesh Muni ji. So I'm very, very honored to be part of this here today together with His Holiness here and all the eminent movers and shakers. And actually, very important thing that we should always remember as a human being is we, through the millenniums, now manage to be the leaders of this planet, planet Earth. This is a human world today, and we are 7 billion in number. And we आज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसा था पूरा थ्रू आउट द ग्लोब आज बड़े बड़े महात्मा थे यहाँ पर स्टेज पर एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था अमन और शांति का देखिए हमें अमन और शांति हम सबको प्यारी है हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो आज वतन के लिए जो मोर्चे पे खड़े हैं आज हमारे आर्म फोर्सेस जिनकी वजह से हम आज ये सब कुछ कर पा रहे हैं शांति आज उनकी वजह से है लेकिन उनके जीवन में क्या क्या अंधकार हैं वो शायद आप और मैं भी नहीं समझ सकते द थॉट इज वेरी क्लियर कि भई हमें पीस अवेयरनेस ग्लोबली लाना ज़रूरी है तो ये वॉर वॉर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जिस हिसाब से मोहिनी इन्होंने उठाया है ट्रस्ट मी वो दिन दूर नहीं है जब हम ये देखेंगे कि वी आर अ कंट्री विच इज़ फ्री फ्रॉम All this rubbish which is going on. तो आगे की क्या तैयारियां हैं और देश में कहां कहां इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि शुरुआत मुंबई से हुई है आगे भी प्रोग्राम होगा लीडरशिप लोकेश मुनि जी की है उनकी ही रहेगी हम तो बस वो जरिया हैं उनके पीछे पीछे हैं कि जहां जहां वो आदेश करेंगे वो प्रोग्राम बिल्कुल अमल होता रहेगा हम करते रहेंगे जो सर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका से आप आए प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है प्रोग्राम का क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लोकेश मुनि जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे शामिल किया मुझे इतना लायक उनने गिना कि मैं कुछ इसमें पार्टिसिपेट करूँ साहब आप लायक थे इसलिए यहाँ बैठे थे आप या उसकी मेहरबानी से बट ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी पीस के ऊपर फोकस करें क्योंकि दुनिया के जो हालात हो रहे हैं ना उसमें हम इंडियन ही है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके दुनिया के अंदर पीस के लिए काम कर सकेंगे और हम सबको पता है हमारी लाइफ तो लिमिटेड है कभी ख़त्म हो जाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ख़त्म होने से पहले हम दूसरे लोगों के दिलों में जिंदा रहे और ऊपर वाले भी हमसे प्राउड फील करें कि दुनिया में इंसान बना के भेजा है अकल की ब्लेसिंग दी है तो आप कुछ अच्छा करके वापस आए हो तो यही सोच के साथ मैं इसमें जुड़ा हूं और जैसे डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने बताया कि पूरा साल ये चलेगा 24 प्रोग्राम है और लास्ट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन में है और मैं और अनिल मुरारका जी ने प्रॉमिस किया है कि हम उनके साथ रहेंगे ये मुहिम में क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी भी फ़र्ज़ है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे देश के अंदर शांति के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा दादा आँखें बंद होने के पहले कुछ कर गुजरे बस यही सोच लोगों में लानी है जैसे मेरी स्पीच में मैंने बताया ना कि भाई हर इंसान की फ़र्ज है हमारा खाली ऐसे नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट या रिलीजियस जो लीडर्स हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने ईश्वर ने कुछ दिया है समझ दी है कुछ फाइनेंशियल सब रिसोर्सेज दिए सबकी फ़र्ज है कि जो लोग नीडी है जो लोग तकलीफ में उन लोगों की सेवा करें
और सेवा में ही सुखी है। What is your thoughts on that this issue? The first you, because our Prime Minister has taken a very big initiative that cleaning up the India. What is your thoughts 2nd October? What is your message to all over the India? नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इनिशिएट करते हैं तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब उसमें जुड़े, क्योंकि ये जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं वो अपने घर की बात नहीं कर रहे, हमारे देश की बात कर रहे हैं, हमारे देशवासियों की। बट लेकिन साथ में वो भी जरूरी है कि हमारा स्वच्छता, हमारा माइंड में भी स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे दिलों के अंदर भी स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स है। वो नात जात ग्रीट रिलीजियस कोई फर्क नहीं है, मानव है और मानवता की सेवा करनी हमारी सबकी फर्ज है। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट लिया है ये बहुत प्राउड फीलिंग जैसी बात है जब हम उसमें जुड़े तो, और हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम भी इसमें साथ देवे। तो मैं खाली इसका शॉर्ट में जवाब दूंगा कि लोग बोलते हैं मैं व्यस्त हूँ, लेकिन रियल में जो देखे जावे ना तो लोग व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। अदरवाइज जो ईश्वर ने जो 24 घंटा दिया है ना वो बहुत है, खाली थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ना अनिल मुरारका जी या हम लोग जो साथ में मिलकर जो भी कर रहे हैं ना अभी बहुत छोटा सा पार्ट है, अभी तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन टाइम तो 24 घंटा ही है और उम्र भी जा रही है, पता नहीं है कभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे बताया अनिल जी ने जिंदगी भी कम है, जैसे बताया कि मरने से पहले डेफिनेटली मैक्सिमम कुछ अच्छा करके दुनिया में जाना है। भले हम महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते, पर वो तो कभी नहीं बन सकते, 1% या 0.1% भी बन सकेंगे ना तो हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने कुछ अच्छा किया है दुनिया के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतनी बड़े संख्या में मीडिया वालों ने सपोर्ट किया, बहुत आप मोटिवेशन मिला है, बहुत खुशी हुई है। और 3 दिन से मैं सोया हूँ, फ्राइडे से लेके मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, क्योंकि कल भी सूरत में मुझे एक अवार्ड मिला था। कंटिन्यूस 3 डेज से मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, बट आप देख सकते हो कि कितना मैं जोश और जज्बात में हूँ, क्योंकि थकान लगती नहीं है सेवा के अंदर। जो लोग करते हैं उन लोगों को पता है, मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच ऑल द मीडिया, आप लोगों को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज के इस प्रोग्राम से आज जो यही कहूँगा कि आज जो प्रोग्राम अहिंसा विश्व भारती के जो बैनर तले हुआ है, इससे एक संदेश दिया है जो हमारे देश में जो महात्मा गांधी एक नाम नहीं है, एक ऐसा नाम शांति, जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है तो शांति और अहिंसा और एकता प्रेम का नाम आता है। जब भी शांति और अहिंसा की बात कही जाती है तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हीं की ही 150वां जो जन्म जयंती महोत्सव जो 2 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके पूर्व संध्या की बेला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें से आपने देखा है कि सभी धर्मों के धर्माचार्य एक मंच पर आके बैठे हुए हैं और सभी ने एकता का संदेश दिया है। ये हमारे लिए भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और ऐसे अगर हमारी समाज में अगर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित एक दिन मानना कि हमारे देश को